भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर अठारह को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था इनके माताजी का नाम स्वरूपरानी नेहरू और पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था पंडित मोतीलाल पेशे से बैरिस्टर थे वहीं पंडित नेहरू की धर्मपत्नी का नाम कमला नेहरू था इनकी एक बेटी इंदिरा गांधी थी जो लाल बहादुर शास्त्री जी की उत्तराधिकारी बनी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी नेहरू जी धनी संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे साथ ही नेहरू जी तीन बहनों के अकेले भाई थे इसके चलते नेहरू जी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आई इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की वहीं उच्च शिक्षा इंग्लैंड में पूरी की लंदन से इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की इस दौरान नेहरू जी ने समाजवाद की जानकारी भी इकट्ठा की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेहरू जी साल 1912 में स्वदेश वापस लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया नेहरू जी ने साल 1916 में कमला जी से शादी कर ली इसके एक साल बाद 1917 में होम रूल लीग से जुड़े और देश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई वहीं साल 1919 में नेहरू जी पहली बार गांधी जी के संपर्क आए यहीं से नेहरू जी की राजनीति जीवन की शुरुआत हुई इसके बाद गांधी जी के साथ मिलकर नेहरू जी ने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया इतिहासकारों की माने तो लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 31 दिसंबर उन्नीस को रावी नदी के तट पर तिरंगे को 12 बजे रात में फहराया था देश की आज़ादी की खातिर नेहरू जी कई बार जेल गए इसके बावजूद उनका मनोबल कम नहीं हुआ नेहरू जी को बच्चों से बेहद लगाव था वे बच्चों को गुलाब की फूल मानते थे इसके चलते बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा कहते थे देश की आजादी के बाद उन्हें सर्वसम्मति से देश का प्रधानमंत्री चुना गया उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की विश्व पटल पर भी नेहरू जी को प्रखर नेता कहा जाता था 27 मई 1964 को चाचा नेहरू पंचतत्व में विलीन हो गए उनके जन्मदिन पर हर साल बाल दिवस मनाया जाता है